जय जिनेन्द्र आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। गुरु आत्मश्रमण रत्न क्रांति माला सुशिष्य आगम ज्ञाता संथारा साधिका प्रवचन प्रभाविका पूज्य गुरु निमैया श्री अलका जी महाराज सिद्धांताचार्य की बग्या के महकते पुष्प मधुर वक्ता मौन साधिका वर्षता पराधिका प्रवचन प्रभाविका पूज्य गुरु निमैया श्री मनीषा जी महाराज सिद्धांताचार्य सेवा भावी पूज्य श्री प्राप्ति जी महाराज ठाणे दो के पावन सानिधि में एस एस जैन सभा बिरादरी आत्मगद्दी आत्म तपोभूमि रूपा मिस्त्री गली में उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुमन मुनि जी महाराज भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री रत्न मुनि जी महाराज ग्रामोद्वारक व्याख्यान वाचस्पति पूज्य श्री क्रांति मुनि जी महाराज एवं आगम ज्ञाता पूज्य गुरुनी मैया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज इन पांच पांच महापुरुषों की जन्म व दीक्षा महोत्सव के उपलक्ष्य में दो दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले दिन अन्नपूर्वी का तप करवाया गया। दूसरे दिन सर्वप्रथम महामंत्र नवकार का जाप के साथ भजनों के द्वारा श्रद्धालुओं ने अपने भाव प्रकट किए। इसी के आचार्य राम जैन सेवा संघ की तरफ से 72 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। इस स्कॉलरशिप कार्यक्रम का आयोजन पूज्य गुरुदेव श्री रत्न मुनि जी महाराज की दीक्षा जयंती पर विशेष रूप से किया जाता है। इस शुभ अवसर पर महामंत्री गिरधारी लाल जैन ने बताया कि महापुरुषों के जीवन से हमें अनुशासन संयम अध्ययन साधना पर चलने की कला सीखने को मिलती है। इस मौके प्रधान अशोक जैन आदि उपस्थित थे। से कैमरामैन विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहिब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास राधिका विश्व कीर्तिमा स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहिब की सुशिष्या आयम्बिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहिब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु एस एस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। वाले एक पुत्र का जन्म अवश्य होगा और ऐसे ही 9 मास बीतने पर सेठानी ने एक परम तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। चारों तरफ एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। कुटुंबियों ने भी बहुत सारा उत्सव मनाया। सेठ सेठानी ने बड़ा उत्सव मनाया, अनेकों बधाइयां बांटी, अनुकंपा से अनेकों को दान दिया। तब सेठ ने एक सार्वजनिक विराट सभा की और उस विराट सभा में कहा कि देखो, जिसको भी अपने मन की इच्छा पूरी करनी हो वो भक्ति भाव से एक बार शांतिनाथ भगवान की कथा करा ले। उनके यहाँ सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि उत्पन्न होगी, सभी विघ्न बाधाओं का नाश होगा। सेठ के निवेदन से सभी सज्जनों ने, जितनी सभा आई थी, सबने शांतिनाथ भगवान की कथा का अपने जीवन में आचरण किया और भविष्य में वो दंपति जब तक इस धरती पर रहे शांतिनाथ भगवान की कथा को करते कराते रहे और अंत में उन्होंने मोक्ष जैसे अखंड सुख को प्राप्त किया और धर्म साधनाएं उन्होंने अपने जीवन में की। तीसरी कथा है एक बहुत गरीब ग्वाल की, जिसका नाम था भूपाल। भूपाल ग्वाल बहुत दरिद्री था, दीनहीन था, भाग्यहीन था। ये महाराजा विक्रमादित्य से पहले समय की बात है, भगवान महावीर के शासनकाल की बात है। किसी भारतवर्ष में कनकपुर के पास विखरापुर नाम का एक कस्बा था, उसमें भूपाल ग्वाल रहता था। बड़ा दरिद्री था, वह इतना दरिद्र और भाग्यहीन था कि आस पड़ोस के लोगों को उसे देखकर दया आती थी। बेचारा सुबह लाता और शाम को खाता था, कभी कभार तो भूखे रहकर गुजारने पड़ते थे। लेकिन कहते हैं कि सभी समय एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी वो अपनी दशा से उबकर अपने मिलने जुलने वालों से कहता कि मुझसे तो एक कुत्ता भी अच्छा है, मेरे जीवन से किसी को लाभ ही कौन सा है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, मर जाऊँ तो अच्छा है, लेकिन मौत भी मेरे पास नहीं आती, मौत भी मेरे पास कैसे आए। कहते हैं कि जो जिसको कोई यहाँ चाहता है तो उसको
भगवान भी चाहता है, लेकिन जिसकी यहाँ चाहना है उसकी वहाँ चाह ना है। यानी मेरी तो भगवान के घर में भी चाह नहीं है, लेकिन मैं कितनी बार मौत के उपाय कर चुका हूँ। भूपाल ग्वाल अपने भाग्य को कोस ही रहा था कि उसके भाग्य चक्र ने पलटा खाया। एक दिन भूपाल ग्वाल जंगल की ओर जा रहा था तो रास्ते में मुनि मिले। मुनि को वंदन करके उनके चरणों में लेट गया। मुनि ने आशीर्वाद दिया तो कहने लगा, गुरुदेव कैसा आशीर्वाद, कैसी चीज, मुझसे तो मेरे जीवन से संसार को लाभ ही कौन सा है, मैं तो मृत्यु को चाहने वाला हूँ। ऐसी क्या बात है, मैं बहुत दरिद्री हूँ, मैं इतना दीनहीन हूँ, मुझे दरिद्रता ने अपने चंगुल में भयंकर ढंग से दबोच कर रखा हुआ है, सुबह लाता हूँ शाम को खाता हूँ। गुरु ने कहा, क्या तुमने कभी शांतिनाथ भगवान की कथा की? गुरुदेव मुझे कभी संत का समागम नहीं मिला, शांतिनाथ भगवान की कथा कहाँ से करता, आज आपके मुख से सुन पाया हूँ, तो जाओ शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। उसने कथा का आयोजन, बेचारा करता भी तो कहाँ से कैसे करता, उसने कथा का आयोजन किया, मांग मांग कर इधर उधर से चीज़ें इकट्ठी की। लेकिन जिस समय कथा संपन्न हो रही थी एक विचित्र घटना घटी कि उस नगरी के राजा का देहावसान हो गया। राजा का देहावसान हुआ तो वहाँ पर एक नियम था कि राजगद्दी को खाली नहीं रखा जाता था, पहले राजगद्दी पर किसी को बिठाया जाता था फिर राजा का संस्कार होता था। लेकिन जो राजा था वो संतानहीन था, उसके यहाँ कोई पुत्र और पुत्री नहीं था। मंत्री परिषद इकट्ठी हुई, उन्होंने कहा कि राजा का संस्कार तभी किया जाएगा जब पहले किसी को राजगद्दी पर बिठाया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक पालतू हाथनी थी, उस हाथनी की सूंड में एक कलश पानी का बनकर, जल का भरकर उसको छोड़ दिया कि ये कलश से किसी के ऊपर भी अभिषेक करेगी, यानी ये कलश किसी के ऊपर भी उड़ेलेगी उसी को राजा बना दिया जाएगा। हाथनी को छोड़ दिया और कहते हैं इस हाथ दे और उस हाथ ले वाली बात हो गई। अभी वो भूपाल ग्वाल शांतिनाथ भगवान की कथा करा ही रहा था, कथा अभी समाप्त ही हुई थी, प्रसाद की प्रभावना जैसे ही श्रोताओं में बांटने के लिए उठा कि वो हाथनी वहीं पर आ गई, वहीं पर आ गई और उसने वो जो कलश था उसके ऊपर उड़ेल दिया। कल तक जो गलियों का मोहताज मात्र था आज क्या बन गया, वो राजा बन गया। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये तो भिखारी था, ये भिखारी था और इसको राजगद्दी नहीं, जिसको उस हाथनी ने चयन किया तो भूपाल ग्वाल एक छत्र राज्य का स्वामी बन गया। लेकिन एक बात को वो अच्छी तरह से जानता मानता रहा कि मेरे अभ्युदय का एकमात्र कारण शांतिनाथ भगवान की कथा है। कभी शांतिनाथ भगवान की कथा किए बिना ना वो जल ग्रहण करता ना वो कोई अन्य कार्य करता। एक बार किसी दूसरे पड़ोसी राजा ने जो उससे ईर्ष्या रखने लगा, अरे कल तो भिखारी था आज राजा बन गया, तो उस दूसरे राजा ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। जैसे उसे पता चला कि वो राजा आक्रमण करने वाला है, उसने अपने नगर की चारों दिशाओं में शांति कथा बिटवा दी, चारों दिशाओं में। अब शांति कथा का प्रभाव तो साथ ही था और उसका विश्वास भी बहुत अटल था। तो युद्ध हुआ, युद्ध में जो सामने वाला पड़ोसी राजा था वो हार गया, उसको मुंह की खानी पड़ी, भूपाल राजा जीत गया। तो चारों तरफ से उसकी जय जयकार होने लगी और उसने अनेकों प्रकार के धार्मिक कार्य किए, अनेकों विद्यालय, महाविद्यालय, औषधालय आदि खुलवाए और इस तरह से अंत में वो भूपाल राजा जो बारावर्ती श्रावक बना, बारावर्ती श्रावक बनकर उसने धर्म की प्रभावना की। इस तरह से शांतिनाथ भगवान की कथा उसके जीवन में एक दिव्य चमत्कार लेकर आई। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। चौथी कथा भी ऐसे ही एक दरिद्र गंगपाल की है। महाराजा विक्रमादित्य से पहले समय की बात है, भगवान महावीर के शासनकाल की। इसी भारत वर्ष में शिरपुर नाम का एक बड़ा, लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता अगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवाभावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु एस एस जैन सभा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहिब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहिब के मुखारबिंद से। चल रहा है
उनसे कहा जा रहा है कि आप क्षत्रिय सम्राट हो और क्षत्रिय का कार्य है प्रजा का परिवार का संवर्धन करना और हर तरह की क्षति से उसका बचाव करना। मगर आप सोचिए कि आपने अभी कौन सा कार्य पूरा किया है। आप यूं ही साधु बनने जा रहे हो, कल को बच्चे को तकलीफ आएगी, तुम्हारे राष्ट्र में अराजकता फैल जाएगी, तुम्हें बनना ही है तो पहले नगर का निर्माण करो, चार दीवारी बनाओ, खाई बनाओ, अट्टालिकाएं सजाओ और वहां पर शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित सेना को वहां पर तैयारी के साथ तुम वहां खड़ा करो। तो इन्होंने उत्तर दिया कि मैंने ऑलरेडी नगर बना लिया, वह कौन सा? श्रद्धा का नगर। और उस श्रद्धा के नगर में खुद की आत्मा को मैंने स्थिर किया और उस नगर में आने वाले जो दरवाजे हैं वहां पर मैंने तप और संवर का दरवाजा लगाया कि नया कर्म आए नहीं, जो ऑलरेडी भीतर शत्रु रूपी कर्म है वो नष्ट हो जाए। और खाई का भी निर्माण किया, चार दीवारी का भी निर्माण किया और आगे ये बताने जा रहे हैं, धनुं पर कम्मं किच्चा जीवं च इरियं सया धीं च केयणं किच्चा सच्चेणं पली मंथय। सिर्फ मैंने महल ही नहीं बनाया, सिर्फ चार दीवारियों से मैंने अपने उस नगर को ही प्रोटेक्ट नहीं किया बल्कि मेरी अपनी बुझाओं में भी पूरी ताकत है। और यहाँ पर यह सिद्धांत की परूपणा है कि दुनिया में आपके संकट से बचाने वाला कोई और नहीं, आपका अपना सही दृष्टिकोण और आपका सच्चा पराक्रम पुरुषार्थ है। यदि आप खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते तो याद रखना आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिसे अपने कैलिबर के ऊपर, अपने पोटेंशियल के ऊपर, अपने आत्म बल के ऊपर श्रद्धा नहीं है, जिसे अपनी आत्मा के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो ध्यान रखना दुनिया में सपोज वो किसी पर श्रद्धा कर भी ले तो वो श्रद्धा उसको टेम्परेरी रिलीफ तो दे सकती है मगर परमानेंट सल्यूशन उसकी समस्या का नहीं मिलेगी। और भगवान ने क्या कहा कि हे आत्मा, तो स्वयं अपना मित्र है, स्वयं अपना शत्रु है, तो स्वयं के भीतर उस शक्ति को पैदा कर, उसको प्रकट कर। और नमी महाराज कह रहे हैं, मैंने धनुष के रूप में आत्म बल का धनुष बनाया, क्योंकि युद्ध भूमि में शत्रु का मुकाबला करना है तो शस्त्र तो चाहिए। और शस्त्र कौन सा, वो धनुष कौन सा, उसका नाम है पराक्रम का धनुष। कौन सा धनुष? पराक्रम का धनुष। कर्म बांधने आसान है मगर कर्म काटने बहुत मुश्किल है। और उन कर्मों को काटने के लिए, तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए उस पॉइजन को देखा जाए तो नॉन पॉइजन कंडीशन तक ले जाने के लिए कितना प्रोसेस करना पड़ता है। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की ओर से पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा करके इसे अंतरराष्ट्रीय सरहद से 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने पर आम आदमी पार्टी लुधियाना की ओर से मोदी और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री चन्नी का पुतला फूंका गया। इस मौके आम आदमी पार्टी के आगुओं ने कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर सहमति क्यों दी। केंद्र सरकार और पंजाब की राज्य सरकार आपस में मिले हुए हैं, इसलिए आज आम आदमी पार्टी लुधियाना द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और मोदी का पुतला फूंका गया है। वहीं दूसरी ओर गुरदासपुर में भी आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन करते हुए नरेंद्र मोदी और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला फूंका गया। मोदी सरकार का पुतला और पंजाब सरकार चरणजीत चन्नी जी सी एम साढ़े उन्होंने संबंध में उन्होंने पुतला फूकन के संबंध अच्छ प्रोग्राम से। सो कह तो भाव जी कुछ ही हरकत जीडिया इन्होंने केंद्र सरकार के रल के पंजाब सरकार कर लगी है, जोड़ा साढ़ा 550 किलोमीटर एरिया जोड़ा बार्डर एरिया जिन्होंने कहा जाता साढ़े पंजाब का, जिद माझा भी बड़ी वो तादाद है, जिस
पठानकोट जिला, गुरदासपुर जिला, उसके नाल अमृतसर साहिब जिला, तरन तारण जिला, फिरोजपुर जिला, ये सारे के सारे जिले जिहड़े आ चन्नी जी ने सीएम पंजाब ने जिहड़े उन्हां दे केंद्र सरकार दे हवाले कर दिते। सो अज उन्हां दे हवाले कर दिता जिन्हां ने देश वेच के खा लिया मोदी सरकार ने। अज उन्हां दे हवाले जिहड़ा ये साडा टोटली जिहड़ा पंजाब दा किलोमीटर वर्ग आ वो साडा 50,300 कुछ किलोमीटर साढ़े पंजाब का एरिया, जिदे चों 27,600 किलोमीटर जिहड़ा साडा एरिया अज मोदी सरकार के हवाले कर दिता, आत्म समर्पण कर दिता जिहड़ा सीएम चन्नी जी ने। और कहन तो भाव उन्हां लोकां नूं वेचण वाला काम किया जिन्हां ने पहला ही देश नूं वेच के खा लिया, लुट के खा लिया। चन्नी साहब ने आप ये गल मनी आ कि 1 अक्तूबर नूं इन्हां ने जाके अपने प्रधानमंत्री अज पंजाब सरकार का यानी कांग्रेस का और बीजेपी का जिहड़ा गुप्त गठजोड़ है उसका खुलासा करने लई आम आदमी की समुची लीडरशिप सारे वलंटीयर लुधियाणा कचहरी डीसी ऑफिस सामने मोदी का और चन्नी सरकार का असी पुतला फूक रहे हैं। ये जो BSF उन्होंने 50 किलोमीटर की जी सीमा रेखा नवी डिसाइड की है असी वो खिलाफ़ हैं, वह कारण है फिर तुम पुलिस को खत्म कर दौ और जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन के इंस्टीट्यूट है उन्होंने खत्म कर दौ। बार्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का पूरा मतलब है बार्डर सिक्योरिटी फोर्स, यदा मतलब है कि BSF बार्डर की रक्षा करेगी, बार्डर की रक्षा BSF करती है, ना कि राज्यों के बीच जाके अपनी दखलअंदाजी करे। असी BSF का पूरा सत्कार करते हैं, असी सारे जिहड़ी इंस्टीट्यूट है सत्कार करते हैं, लेकिन यदा मतलब यह नहीं कि पुलिस जाके फौज से जाके धरना दोगी या फौज से जाके कोई काम करेगी। फौज के साडे सत्कार योग फौजियों का काम है, BSF का बार्डर से साडा काम है। BSF जी है वह बार्डर की सुरक्षा कर रही है, वह साडे मान योग ने वो अपन जाना से लड़के BSF की रखवाली करते हैं, ये कोई डाउट नहीं। लेकिन राज्यों के अंदर पुलिस होंगी आ दूजे प्रशासन होंगे है वो होना ना होना बहुत जरूरी है। और ये जड़ा होया एक कैप्टन बार बार उत्थे जा रहा, चन्नी सरकार हुण बार बार दिल्ली जा रही है, ये NDA BJP कांग्रेस का यह हिडन एजेंडा है, हिडन अलायंस हैगा, यदि असी सख्त निखेधी करते हैं। पंजाब के DGP का इस लैके कोई बयान आया जी? उन्होंने कहा कि बार्डर के जी गश्त बढ़ावे वो बड़ी वधिया गल है, पुलिस गश्त बढ़ावे जिथे वो लोड़ हैगी है, लेकिन BSF का बेलोड़ींदा दखल वो सानू मंजूर नहीं। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा और गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज से किसान मोर्चे द्वारा लखीमपुर में शहीद हुए किसानों को इंसाफ दिलाने को लेकर पूरे भारत में 10 बजे से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया, जिसके तहत किसानों ने जगह जगह रेल रोक कर प्रदर्शन किया। इस लड़ी के तहत आज पंजाब के लुधियाना शहर में भी रेल रोककर किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस मौके किसानों ने कहा कि जब तक लखीमपुर में शहीद हुए किसानों को इंसाफ नहीं मिलता तब तक इसी प्रकार प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर किसानों द्वारा पंजाब के होशियारपुर और मोगी जिले में भी रेल रोककर प्रदर्शन किया गया। हाँ जी, ये जो प्रोटेस्ट अज 10 बजे तो लेके 4 बजे ताई सानू अपने संयुक्त मोर्चे की कॉल से अग्राह जथेबंदी के जोगिंदर सिंह अग्राह के कहण से असी अग्राह जथेबंदी वालों इतने ट्रेना रोकी गई है, 10 तो लैके 4 बजे तक रोकांगे असी ट्रेना, जो यात्रियों की सहूलत वास्ते तो इतने आए प्रबंध सज्जनों के वास्ते, खेत मजदूरों के और किसान वीर वास्ते लंगर का अटुट प्रबंध आ, चाह के लंगर चल रहे तो असी जिन्ना चेर अजे टैनी नूं गद्दियों नहीं लाउंदे ते उन्ना चेर साडे प्रोटेस्ट यह जारी रहूगा। अजे टैनी नूं जिन्ना चेर गद्दियों नहीं लाउंदे उन्ना चेर सानूं इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं, ते यही कहना चाहुंदा। कदी रेल गड्डियां दी लाइनां ते बह जांदे, किसानां नूं तां खेतां च काम करन जोगे छड्डिया नहीं सरकारां ने, एक पासे फसलां दी खरीद करन ते उहदे उप्पर बड़ियां शर्तां लाई जांदे आ, नाल दी नाल जिहड़े बिलों के खिलाफ असी लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिलों का कोई भी हल तक कोई एक पासा नहीं कर रहे, मीटिंगा करन दे बावजूद भी वो हाले तक कोई उन्होंने फैसला नहीं लिया। तो जिहड़ा लखीमपुर खीरी दे विच घटना हुई आ पिछले दिन, इन्होंने शरेआम BJP सरकार के गुंडिया ने शरेआम कतलेआम किया गड्डिया थले दे के किसानों का, उन्होंने परिवारों को इंसाफ दवाने वास्ते असी रेलगड्डिया की लाइना पर बैठ गए। अज संयुक्त किसान मोर्चे वालों पूरे भारत के 18 तरीक न 10 बजे तो 4 बजे तक पूरे जिहड़े रेलवे ट्रैक जिहड़े आ बंद कर दिए गए हैं, तो उस संबंध के विच ही असी अज टोल प्लाजा के लागे जलंधर तो जम्मू जिहड़ा रेलवे ट्रैक है वो उपर बैठ के धरना लाया होया कि इन्हां परिवारों को इंसाफ मिले ता कि दोषियों को सज़ा मिले, क्योंकि जिहड़ा मंत्री है गृह मंत्री है
ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 120 ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਗਗਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਔਰ ਮੋਗਾ ਸੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਕੋ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਰਵੀਵਾਰ ਰਾਤ ਕੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਕੇ ਤੇਵਰ ਤਲਖ ਥੇ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦੋ ਕੇ ਹੱਲ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣਾਵ ਮੇਂ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਕੇ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਕੋ ਲੇਕਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਧਨੇ ਮੇਂ ਜੁਟ ਗਏ ਹੈ राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम चिट्ठी जारी करने के बाद केंद्रीय प्रवेशक हरीश चौधरी की मध्यस्थता में चन्नी और सिद्धू के बीच रविवार को देर रात बैठक हुई जिसमें दोनों के बीच हरीश चौधरी ने गिले शिकवे दूर किए। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में दोनों ने साथ डिनर भी किया। रात 8:10 पर शुरू हुई बैठक में भी सिद्धू के तेवर नरम नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत के लिए इन मुद्दों का सुलझना बेहद जरूरी है। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल का कार्यक्षेत्र बढ़ाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हमें पंजाब के हर गंभीर मुद्दे को हल करना है। इन मुद्दों पर यदि काम नहीं किया गया तो चुनाव की राह आसान नहीं होगी। दोनों के बीच हुई बैठक में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का रुख सकारात्मक रहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि समय कम है लेकिन सरकार सभी मुद्दे पर काम कर रही है। दोनों के बीच बैठक देर रात तक जारी रही इसलिए चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास में ही डिनर का इंतजाम किया गया था। देखो सिद्धू साहब की करदे आ कदों की कर जाएंगे इहदे बारे आ तां सिद्धू जानदा आ सिद्धू दी पार्टी कांग्रेस जानदी आ लेकिन जिहड़ियां 13 गल्लां ओह कह लै करके कांग्रेस दे हाईकमांड कोल चला या गया हाईकमांड कोल चला या गया उहदे च कोई नवीं गल तां है नहीं। कभी ड्रग्स दे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पहलां कदम चकदी आ और वो ड्रग्स पंजाब दे विच ना आ सकन BSF नूं पंजाब दे अंदर वड़न लई जिहड़ा 50 किलोमीटर तक दी छूट दित्ती गई है उहदा एक कदम है और बेअदबी जिहनूं लैकर के कांग्रेस ने सरकार बनाई सी सिद्धू ने की कीता सिद्धू दी पार्टी ने की कीता उहदे अलावा काले कानूनां दी गल करदे आ काले कानूनां दी आड़ दे विच कृषि दे काले कानूनां दी आड़ दे विच सिर्फ और सिर्फ जिहड़ा पंजाब दे विच दंगा कराना चाहुंदी है हिंदू सिख एकता खत्म कराना चाहुंदी है जिहड़ी कि पिछले दिनी बड़ी मुश्किल नाल भारतीय जनता पार्टी दी जिहड़ी है जद्दोजहद दे नाल लंबे समय बाद खत्म हुई और जिथे तक बेअदबी कांड दे दोषियों नूं सज़ा दवाउण दा काम है और कांग्रेस सिर्फ गल्लां करदी है होर कुछ नहीं कर सकती कांग्रेस कारण कि 84 दे दंगे वाले करन वालों नूं अगर सज़ा दिलाई तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई और असी प्रोमिस करते हैं अगर बेअदबी कांड वाले नूं सज़ा दोगी तो भारतीय जनता पार्टी दवाऊगी। ये भारतीय जनता पार्टी का पंजाब की जनता के नाल एक प्रोमिस है। उसके अलावा सस्ती बिजली की गल करते हैं असी कद कहने सस्ती बिजली ना दिओ ये मुफ्त बिजली की गल करते अगर इन्नी बिजली मुफ्त दिओ आप पार्टी आ जाती 600 देवे ये कहते 300 असी सिर्फ एक गल कहने पंजाब के हर बछिंदे पंजाब के हर नागरिक नूं चाहे वह 1 यूनिट बिजली यूज इस्तेमाल करता चाहे 1,00,000 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता उन्हों जरूरत के हिसाब न 24 घंटे बिजली असी मुहैया करावे और सस्ती बिजली देवे ये तो सिर्फ किताबा गल करते हैं पार्टी दिनता क्डन जाता यदा मतलब है कांग्रेस यदि सुनती नहीं सोनिया गांधी यदि सुनती नहीं लेकिन साढ़े तो प्रधान कहें कि असी सस्ती बिजली मुहैया करावे और बाद इतना ही जिते तक पोस्ट मैट्रिक की समझौते की पोस्ट मैट्रिक दलितों के वजीफे की गल करता है तो दलितों के वजीफा जब धर्म सोच ने खाधा तो वो खिलाफ़ कांग्रेस चुप करके बैठी रही लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरिया उस तो बाद भी उन्हों धर्म सोच को क्लीन चिट देती दलितों का अज इन्हों याद आ गई कि दलित मुख्यमंत्री बना करके पंजाब के अंदर हिंदुस्तान के अंदर पंजाब ऐसा सूबा है जिदे अंदर लगभग 34% अनुसूचित अनुसूचित जातियां रहिंदियां हिंदुस्तान सब तो ज़्यादा उन्होंने बारे सब तो पहला आवाज़ किने चक्की भारतीय जनता पार्टी ने चक्की अज ये साड़ियां ही गल्लां चोरी कर करके भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी गल्लां कहिंदी है पंजाब के उत्थान वास्ते असी कहने पंजाब के अंदर नशा मुक्त होना चाहिए पंजाब रोज़गार युक्त होना चाहिए पंजाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पंजाबियों हर नौजवान हर हथ में काम देगी ये सारिया गल्लां इधरों उधरों चोरियां कर कुर के 13 सूत्री एजेंडा जिहा बना के कांग्रेस को लै चला
उत्ते बीबी सोनिया को पता नहीं उन्हें टाइम भी देना कि नहीं देना, यदि सुननी कि नहीं सुननी, यदा की होना है की नहीं होना है। कदे समझ इस्तीफा देता, फिर कहता मैं इस्तीफा वापस ले लिया जी, लुधियाने पंजाब च पहुँचा, मैं तो अपनी जगह पर खड़ा हूँ, मेरे एजेंडे लागू होंगे तो मैं काम करूँगा। सो ये एक ना अजीब जिहा व्यक्ति, अनसर्टन माइंड व्यक्ति है कांग्रेस ने प्रधान बनाया, जिन्हों पता ही नहीं मैं अपनी मैं जिन्हों यही नहीं पता कि मैं कांग्रेस का प्रधान है, जो मुख्यमंत्री वाले शरेआम गालां कढ सकदा लखमवीर खीरी जाते बारे, उस तो कांग्रेस की तवक्को कर सकते, पंजाब की जनता उस तो की तवक्को करूगी। ये जिन्ने मर्जी एजेंडे लिख लिख के लै जाए, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब की जनता को बेवकूफ बनाता, और समय निकल गया। ये इन्हां दी आपस की कांग्रेस की नूरा कुश्ती है, ये 13 सूत्री एजेंडा कुछ नहीं है, ये वही नवी बोतल तो पुरानी शराब है। और कांग्रेस के बारे, कांग्रेस ने प्रधान बदलता, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बदलता, सिर्फ एक गल मैं कहनी चाहना कि परिंदे चहचहाते हैं कि चमन बदला है, तारे टिमटिमाते हैं कि गगन बदला है, लेकिन कब्रिस्तान की खामोशी ये कहती है कि लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। लेकिन भारतीय अगर पंजाब और पंजाबीयत का भला होगा, पंजाब का लोगों का भला होगा, ये 13 सूत्री इन्हों के कार्यक्रम ना लेना भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और राजस्व मंत्री अरुणा चौधरी के साथ स्वामी जगत सिंह गिरी आश्रम पठानकोट में नतमस्तक हुए। सार्वजनिक रूप से सत्संग में शामिल हुए चन्नी ने आश्रम की ओर जाने वाली सड़क को चौड़ा करने के लिए 51 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की और आश्रम की सीमा का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पहले ही जालंधर के डेरा सचखंड करने की घोषणा कर दी है और आने वाले दिनों में इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह राज्य के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार के पास बहुत सीमित समय है, लेकिन उनकी सरकार पहले से ही राज्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। इस अवसर पर पठानकोट विधायक अमित विज, वरिष्ठ पुलिस कप्तान सुरेंद्र लाबा, अतिरिक्त उपायुक्त संदीप सिंह और अन्य उपस्थित थे। उन्होंने प्रदेशों चो एक भी ऐसी शिकायत आई कि जिथे BSF ने कोई धक्का किया हो या BSF और पुलिस का कोई इंटरस्ट क्लैश होया हो, मैं पूछना चाहना कांग्रेस नू, उन्होंने राजस्थान च मुख्यमंत्री ने दसो, अपने मुख्यमंत्री नू पुछ के कि 50 किलोमीटर जो BSF का दायरा सीगा ते की राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार नू किस काम करने च कोई तकलीफ आई है या उन्होंने आपसी तालमेल च कोई कमी आई है। सिर्फ राजनीति हर विषय ते करनी है कोई अच्छी गल नहीं है, राजनीति करने वास्ते बहुत विषय है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो BSF का पंजाब 15 से 50 किलोमीटर किया गया केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि किया गया, और मैं एक बार फिर रिपीट करदा, जोड़े अधिकार BSF को 15 किलोमीटर काम करने वास्ते है, उन्होंने अधिकारों के कोई वाधा नहीं किया गया, केवल और केवल दायरा जिहड़ा हैगा 15 किलोमीटर तो वधा के 50 किलोमीटर किया गया। जे अज तक 1969 तो यह कानून लागू है, जे 1969 तो लग के अज तक 2021 अक्टूबर तक एक भी इंस्टेंस ऐसा नहीं आया जिथे BSF और पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार दे नाल कोई क्लेश होया होवे अधिकारां नूं लैके, ते अज कित्थों इह प्रश्न पैदा हो गया। मैनूं एक भी इंस्टेंस दिखा देने जिहड़ी विरोधी पार्टी, चाहे श्रोमणी अकाली दल होवे, चाहे आप होवे, चाहे कांग्रेस होवे, एक भी इंस्टेंस ऐसा दस दिन जो तो BSF और पुलिस के अधिकारों के आपस कलैश आया हो पंजाब सरकार के कोई कलैश आया हो, फिर बेमैनी की राजनीति क्यों? सो मेरी बेनती है इस सारिया पोलीटल पार्टीज़ कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सूँ राजनीति नहीं करनी चाहिए, और रल के राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे उत्ते आप देश के दे नाल खड़ीए, देश को अगे वधाइए। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।